हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप बहुत सारा फ़ोन ड्राइवर से पूछ रहे थे कि हम लोगों को गुड न्यूज़ कब मिलेगा और हम लोगों को ट्रैफिक कब मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग बहुत पहले ही पैकेज परचेज़ कर चुके हैं और आपको फिर एक महीने के लिए मतलब दिया गया है फ्री यूज़ करने के लिए, तो दोस्तों वो भी टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप वो कनेक्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि आपका कितना टाइम ख़त्म होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो टाइम तो ख़त्म हो गया था, मैं अपना खुद की बात कर रहा हूँ, वो कनेक्ट का टाइम ख़त्म होने के बाद एक महीना फिर मिला फ्री। और फिर एक महीना फ्री मिलने के बाद फ्री अभी वहाँ पे जाके देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा 5 दिन बचा हुआ है। तो क्या हम लोगों को फिर से वो कनेक्ट का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो कंपनी की तरफ से पैकेज परचेज़ किए हैं, उसकी तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो बेनिफिट जब तक नहीं मिलेगा, मैं नहीं, बहुत सारा फोन ऐसा है जो कि पैकेज परचेज़ नहीं करेगा वो कनेक्ट का। क्योंकि उसको एक बार वो कनेक्ट का पैकेज परचेज किया है, कोई भी कंपनी से ट्रैफिक नहीं मिला है। तो गाइस, क्या उसको फिर से वो कनेक्ट का जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज़ कर सकता है, मीन कि फिर आगे बढ़ा सकता है एक महीने के लिए? तो गाइस, मेरे तरफ से ऐसा हाँ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि 3 मंथ के लिए हम लोग पैकेज परचेज किए थे तो वो टाइम ख़त्म होने के बाद फिर एक महीने का पीरियड हम लोगों को दिया गया था और फिर वो एक महीना 5 दिन के बाद ख़त्म होने वाला है। तो गाइस, हो सकता है कि फिर से ये 5 दिन जो मेरा वहाँ पे शो कर रहा है वो टाइम ख़त्म होने के बाद फिर से एक महीना का या फिर कुछ दिन का या फिर कुछ ज़्यादा, लेकिन फिर टाइम इंक्रीज कर सकता है मेरे ख्याल से। तो गाइस, हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको भी ऐसा अगर शो कर रहा है तो आप बेफिक्र रहिए। ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा तो वो कनेक्ट का पैकेज परचेज़ किए थे वो भी टाइम ख़त्म होने वाला है या फिर फ्री एक महीना मिला था वो भी टाइम ख़त्म होने वाला है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अगर ट्रैफिक नहीं मिला है, कमीशन नहीं मिला है पैकेज परचेज़ करने के बाद, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर से आपको पैकेज परचेज़ करना होगा वो कनेक्ट का। क्यों दोस्तों, जब तक आपको कमीशन नहीं मिल जाता, कोई भी ऐसा फाउंडर नहीं है जो कि पैकेज परचेज़ नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, पैकेज परचेज़ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको एक बार पैकेज परचेज़ किया है लेकिन कोई भी कमीशन नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों, कंपनी को भी पता है, इसलिए दोस्तों आपको वहाँ पे टाइम फिर से आपको एक महीना दे सकता है अगर आपका टाइम ख़त्म हो रहा है तो। तो दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं हम लोगों को गुड न्यूज़ कब मिलेगा। तो गाइस, डेफिनेटली हम जितने भी फोन रहे हैं, हम सभी वही आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम लोगों को गुड न्यूज़ मिले, हम लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक मिले, हम लोगों को यहाँ पे अपडेट मिले। तो गाइस, 360 वेबिनार होने वाला था, इसका अभी समरी आपको OES पे नहीं दिया गया है। जब वहाँ पे दिया जाएगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकेंगे कि वहाँ पे अगर मिस्टर एसमपुर आए थे तो वहाँ पे अपडेट क्या क्या था, और फिर जो भी लीडर आए थे उसको उन्होंने अपडेट क्या क्या दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अपने लैंग्वेज चूज़ करेंगे और लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आप लोग अपने लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं और वो समझ सकते हैं। तो गाइस, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभी पैसन रखिए और देखिए कि वन पैसिव कब तक रेडी हो जाता है। एक बार सही हर कुछ यहाँ पे हो जाता है तो फिर हम लोग लाइफ टाइम के लिए ये सारे के सारे चीज़ हम लोगों के पास रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, 2024 आने वाला है, आज होगी 28 तारीख, फिर 29, 30, 31, उसके बाद फिर 1 जनवरी 1/1/2024 आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, वन पैसे में हर कुछ यहाँ पे आपको न्यू चीज़ देखने को मिलेगा। और फिर वन पैसे ने 2023 में बहुत कुछ यहाँ पे अचीव किया है और 2024 में भी बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करने वाला है। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोगों को कमीशन मिलना या फिर हम लोगों को ट्रैफिक मिलना ये अचीवमेंट होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग देखिए कि हम लोगों को न्यू जगह में ऑफिस खुला है 2023
देश में और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हुआ बुर्ज खलीफा के ऊपर, ऐसा बहुत जगह हुआ है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुआ है, बहुत से लोग यहाँ पे वन पैसिव में जुड़े हैं 2023 में। तो इसी तरह से 2024 में भी बहुत सारा अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ट्रैफिक इनकम मिल जाए तो वही अचीवमेंट होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो प्रोग्रेस किया वन पैसिव में उसी को अचीवमेंट कहते हैं। तो गाइज आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसन रखे और देखे, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारा गुड न्यूज़ मिलेगा। अगर आप एक प्राउड फाउंडर हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ लाइफ टाइम मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपको पैसन रखना है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।